ठीक है, जैसे से पहले हम लोगों ने एरिया लाइट में देखा, अभी एरिया लाइट में क्या, जैसे मैंने एरिया लाइट यहाँ पे क्रिएट कर रखा है यहाँ पे, अभी हम लोग तो इसके पैरामीटर को थोड़ा सा टेस्ट कर लें। पैरामीटर में जैसे मैं आपको बताया था भाई चीज़ें क्या क्या, जैसे मैं बस लाइट मैंने दिखाया, अभी लाइट को मैं थोड़ा सा पहले छोटा बड़ा करके देखो भाई मुझे यहाँ पे दिखाना है। मैं अगर यहाँ पे चीज़ को दिखाता हूँ तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को कैसे बैलेंस करना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दिखाया है, जैसे मैं बस नॉर्मल जो लाइटिंग वगैरह में करता हूँ तो पैनल लुक तो सिलेक्टेड ही है मैंने पार्ट यहाँ पे कर दिया। मैंने कहा ओके दो वन थिंग, यहाँ पे मैं चीज़ों को दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक सिंपल एक कैमरा तो जैसे मैं लगा ही देता हूँ यहाँ पे कैमरा। ठीक है, पैनल लुक तो सिलेक्टेड, पहले कैमरा लगाना जरूरी, बिना कैमरे के वो चीज़ें आपको बहुत बेटर नहीं दिखने वाली। मेक श्योर अगर आप कोई भी चीज़ दिखा रहे हो तो आपको वहाँ पे क्या काम करना है, देखो तो आपको बेसिक फंडा क्लियर है तो आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। अगर आपको बेसिक फंडा क्लियर नहीं तो आप रोज सोचोगे सर मैं लगाऊँ तो लगाऊँ क्या, कौन सी लाइट लगाऊँ जिससे मैं चीज़ों को मैं दिखा सकूँ और बैलेंस कर सकूँ। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैंने सिंपल सा फंडा मैंने ऐसे दिखाया, मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ को लेता हूँ, मुझे ऐसा कुछ दिखाना है। ठीक है, कैमरा मैंने कर दिया लॉक, यहाँ पे मैंने कर दिया रेंडर। ठीक है, दिख रहा है ब्राइटनेस कितना विजुअल हो रहा है। यहाँ देखो अभी मैं इसको ब्राइटनेस को मैं कम कैसे करूँ, तो मैं अगर मैंने जो लाइट लगाई है ना पे, इस लाइट की इंटेंसिटी यहाँ से मैं कम करना स्टार्ट करूँगा, या तो ये कम करूँ या मेरे पास डी के का ऑप्शन है। जैसे हम लोगों ने इससे पहले डी के बहुत अच्छे से पढ़ा है, आई थिंक आप लोगों को याद होगा, तो यहाँ पर डी के अच्छा काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तो अगर मैं आप देखो मैं डी के मैंने मैनेज किया, डी के साथ मेरे पास चीज़ें क्या है। दूसरी चीज़, मॉडल को जब भी आप मैनेज करो मॉडल के साथ आपको ये भी देखना है कि भाई मेरे पास फॉग है, फॉग में स्पेकुलर कितना है, रिफ्लेक्टिविटी कितना है, रिफ्लेक्टिविटी को थोड़ा सा बैलेंस कर देंगे यहाँ पे। और दूसरी चीज़ें यहाँ पे दो व्यू चाहिए मुझे, यहाँ पे व्यू एंड लेआउट, पैनल लेआउट पे गए टू साइड बाई साइड, यहाँ पे पर्सपेक्टिव पे चले गए, यहाँ पे पैनल लुक तो सिलेक्टेड ओके, यहाँ पे सेट कर दिया मैंने, यहाँ पे डन, पर्सपेक्टिव में आ गए हम लोग यहाँ पे। देन यहाँ से मैं रेंडर करके देखूँ यहाँ पे तो कैसे कुछ चीज़ दिखा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये बस गामा एंड देन ऑल दिस थिंग, ये दिख रहा है बस गामा की मुझे यहाँ पे नीट नहीं लग रही, तो मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ। अदरवाइज जहाँ पे लगता है मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे भी काम कर सकता हूँ, ये ध्यान देने का। ऐसा नहीं कि मैंने कोई चीज़ ले रखा तो मैं कसम ही खा के बैठा हूँ कि भाई मुझे यूज़ ही करना है। सेटो में गए, यूज डेप में सेटो, ठीक है मैंने यहाँ पे यूज़ किया, देन यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे विजुअल है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे फिलहाल में तो मैंने यहाँ पे ये कर दिया मैंने, ठीक है दिस इज़ गुड, ये पार्ट मैंने कर दिया। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, क्रिएट पे गया, एक मैंने लाइट लिया, लाइट पे गया, यहाँ से मैंने एरिया लाइट लिया। ठीक है, पैनल लुक तो सिलेक्टेड, जैसे थ्री पॉइंट लाइटिंग करते हैं हम लोग उसी को थोड़ा तो फोकस में करके काम करें। यहाँ पे मैंने किया, ठीक है दिस इज़ गुड, यहाँ पे गए, लाइट का इम्पैक्ट मैंने दिया। अभी फिलहाल में यहाँ पे मैं रेंडर करके दे रहा हूँ, तो रेंडर में मेरे पास ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे चीज़ को मैंने मैनेज किया कि भाई मेरे पास लाइट यहाँ पे है, हेलमेट डिफॉल्ट है यहाँ पे। ठीक है, दो काम हो सकते हैं, या तो सारी लाइटों को अपने गामे के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर, जैसे मैंने यहाँ पे 0.2 कर दिया, इंटेंसिटी को मैनेज कर दूँ यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे काम यहाँ पर आ जाएगा, 0.3 कर दिया मैंने यहाँ पे, है ना। तो आप ऐसे भी काम कर सकते हो, तो दो तरीके हैं आपके पास यहाँ पे मैनेज करने के। दूसरी चीज़ यहाँ पे जब मैं माया में रेंडर करूँ, माया में रेंडर करते हुए यहाँ पे ये चीज़ मुझे विजुअल होंगी, वो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे क्रॉस चेक करके देखना पड़ेगा मैं किस टाइप से चीज़ों को मैं मैनेज करूँ ताकि मैं उस चीज़ दिखें। इसके बाद राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे अगर मैं आपको बताऊँ बम्प मैपिंग, ये दिख रहा है अभी सिंपल पार्ट, अभी मैंने यहाँ पे सिंपल ये पार्ट ले रखा है। मैप्स को एक बार मैं देख लेता हूँ, मैप्स एक बार कॉल करता हूँ, मैप्स में मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, मैंने देखा मैप में उतना कुछ खास नहीं है, अभी मैं थोड़ा सा इसको मैं देना चाहूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे चीज़ों को देखो डबल क्लिक करो, यहाँ पे कॉज इन पावर यहाँ पे दिया, थोड़ा सा मैं हल्की फुल्की साइनिंग वाइनिंग देता हूँ, थोड़ा सा बढ़िया सा लगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चीज़ को दूँ, थोड़ा सा रिफ्लेक्टिविटी यहाँ पे मैंने मैनेज किया। ठीक है, यहाँ पे हल्का फुल्का मैं थोड़ा सा बैलेंस को तो बहुत बेटर किया जा सकता है। ठीक है, आप ऐसा अगर देखोगे तो थोड़ा सा बेटर दिखेगा। इसके सिवाय अगर आपको लगता है भाई बेस है मेरे पास, यहाँ पर राइट क्लिक एंड साइन, मैंने ब्लेन अप्लाई कर दिया, तो मेरे पास ये भी साइनिंग में ही देखेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या, अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, मेरे पास यहाँ पर रेंडर सेटिंग में गए, मेरे पास एक रेट्रेस का ऑप्शन भी होता है, माय सॉफ्टवेयर में जाकर यहाँ पे रेट्रेस का ऑप्शन अगर आप ऑन करते हो तो वो आपकी साइनिंग वाइनिंग सबको दिखेगा। ठीक है, आपका रिफ्लेक्शन अगर कर दूँ 5 टैप 5, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे, और देन चीज़ों को मैं थोड़ा सा बैलेंस कर दूँ यहाँ पे। दिख रहा है यहाँ पे रिफ्लेक्टिविटी, यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि आपको अगर मैनेज करना है तो आप कैसे मैनेज कर सकते हो और चीज़ों को कैसे फुलफिल कर सकते हो। तो ये आपका बेसिक सा फंडा रहेगा। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे मैं चीज़ों का मैं बैलेंस कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे किया भाई, मुझे यहाँ पे जैसे पीछे की लाइट है, पीछे की लाइट को मैंने कलर चेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं स्लाइड है कंट्रोल डी, और मैंने यहाँ पे क्या किया, पैनल एंड लुक तो सिलेक्टेड, तो मैं यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा ऐसे बैलेंस करके दूँ, थोड़ा सा बेटर दिखे यहाँ पे। ओके, अभी यहाँ से मैं देखूँ यहाँ पे मेरे पास रेंडर में क्या आउटपुट आ रहा है, तो रेंडर का आउटपुट के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लूँगा। यहाँ पे विजुअल हो रहा है,
जब आप आउटपुट देखो उसमें कुछ नॉइज भी मिलेगा, नॉइज के साथ आपको चीज़ क्या मिलने वाली है देखना पे। तो जो मेरे पास शैडो है ना उन शैडो को मुझे कस्टमाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे गए यूज डेप मैप शैडो, मेन का शैडो मैं ऑन रखूंगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया 1024, फिल्टर साइज 4 कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ यूज डेप मैप शैडो, ठीक है। यहाँ पे मुझे ब्लर करना है तो मैंने क्या 256 कर दिया, फिल्टर साइज 4 कर दिया। यहाँ पे ध्यान रखना मैं यहाँ पे शैडो के साथ गेम खेल रहा हूँ, ठीक है। पीछे वाले में शैडो मुझे रखना है 256, बहुत ज़्यादा नहीं दिखाना है मुझे 4 and 8। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अगर मैं चीज़ों को मैं बैलेंस करूँ तो मैं चीज़ थोड़ा सा बेटर दिखेगा यहाँ पे। देखिए एक तरफ का शैडो ज़्यादा बैलेंस है और चीज़ों को ऐसे करके मैं दिखाऊँ तो बेसिक में अगर एयर लाइट से मुझे कुछ दिखाना है, कोई डेप्थ दिखाना है, रिफ्लेक्टिविटी दिखाना है, बैलेंस करना है, तो मैं चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ कि कैसे क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे।